हेलो व्यूअर्स, आज हम पढ़ाई को छोड़ के कुछ बात करेंगे खाने पीने की। आज मैं आपको बताऊंगी कि घर पे कैसे बनाएं बॉइल्ड कॉर्न, जिसको हम दूसरी भाषा में भुट्टा या छल्ली भी बोल देते हैं। गर्मियों के दिन चल रहे हैं, बच्चे शाम को कुछ ना कुछ खाने को मांगते हैं। दिन बड़े हैं तो वो या तो बोलेंगे मैगी बना दो, मम्मा नूडल्स बना दो, मम्मा बर्गर ला दो। तो बट दिस इज़ वेरी न्यूट्रिशियस फॉर किड्स। इसमें ये भरपूर है विटामिन सी से, जो कि एक एंटीऑक्सीडेंट है, विटामिन डी से, ई से एंड मैग्नीशियम एंड पोटेशियम से। तो आपको बच्चों, आपके बच्चों को एक हेल्दी डाइट देने के लिए आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि कैसे करें घर पे ही छल्ली को बॉय। चलो व्यूअर्स, तो आप छल्ली ले लें, उसको अच्छी तरह से छील लें। इसके जो साइड पे ये लगे हैं, इसको भी अच्छी तरह से छील लें। अदरवाइज बॉयल करने के बाद ये आपके मुंह में आते रहेंगे। इसको एक प्रेशर कुकर में दो हाफ ऑफ करके डालिए। हाफ ऑफ करके हम प्रेशर कुकर में डालेंगे, अच्छी तरह से ये बॉयल हो जाए। इसके लिए हम इसके ऊपर थोड़ा सा नमक भी डालेंगे। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा चाट मसाला भी डाल सकते हैं ताकि इसका टेस्ट अच्छा। इसमें पानी इतना भरेंगे कि ये भुट्टा या छल्ली पूरी तरह से भीग जाए। आप देखेंगे कि ये कितना मज़ेदार खाने के लिए बन गया। जैसे हम पोटैटो बॉईल करते हैं, वैसे ही हमने कॉर्न को भी प्रेशर कुकर में डाला। जितना पानी ज़रूरत थी, जिससे कॉर्न अच्छी तरह से डूब जाए, छल्ली अच्छी तरह से डूब जाए, उतना डाला। उसके बाद इसको प्रेशर कुकर को हमने गैस पे तेज़ी से रख दिया। फिर इसको 5 मिनट तक सिम करके रखा, फिर बंद करके इसको स्टीम में पड़े रहने दिया। अब देखिए आप ये कॉर्न कितने अच्छे बॉईल हो गए हैं। देखिए आप, सी, बहुत अच्छे, बहुत ही सॉफ्ट बॉईल हो गए हैं। आप इसको धीरे धीरे निकालिए टोंग से, हाथ से नहीं निकालिएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं ये। बहुत सॉफ्ट, बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशियस, दिखने में भी लुक में भी बहुत अच्छे। जो मार्केट से हम लाते हैं स्वीट कॉर्न, वो पता नहीं कब के पैक किए होते हैं, वो बच्चों के लिए इतने न्यूट्रिशियस नहीं होते। अब ये बॉइल्ड कॉर्न हम कैसे खा सकते हैं, इसको खाने के 2-3 तरीके हैं। मैंने यहाँ पे लिया है लेमन, चाट मसाला, ब्लैक पेपर एंड सॉल्ट। क्लियर? इसको हम जो पिज्ज़ा के ऊपर लगाने के लिए हमें मिलते हैं, ओरिगैनो और चिली फ्लेक्स मिलते हैं, उसको लेमन प्लस वो भी लगा सकते हैं। या घर पे हम दही भल्ले बनाने के लिए एक सॉस बनाते हैं इमली और गुड़ से, वो लगा के और इस कॉर्न को उसके साथ डिप करके भी खा सकते हैं। सबसे ईजिएस्ट वे, लेमन हमारे घर में गर्मियों में हमेशा पड़ा ही होता है, नींबू हमेशा पड़ा होता है, तो हम उस नींबू को डिप करेंगे इस चाट मसाला के साथ और इसको अप्लाई करेंगे छल्ली के ऊपर। ये छल्ली तैयार है आपके बच्चों के लिए खाने के लिए। देखिए कितनी सॉफ्ट है, कितनी सॉफ्ट है। इसको चाहे बच्चे खाएं, चाहे बूढ़े खाएं, सब खा सकते हैं। जो पर भुनी हुई छल्ली है हम मार्केट से लाते हैं, महंगी भी मिलती है, वो हम अक्सर जो है जिनके दांत नहीं होते, बूढ़े होते हैं, वो खा नहीं सकते। इसमें छोटा से छोटा बच्चा और घर में बूढ़े भी खा सकते हैं। पर इसको पकाते हुए ध्यान रखना है कि ये स्टीम में पड़ी रहे और आपको नमक डाल के इसको बॉयल करना है। उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरी एफर्ट पसंद आई होगी। उम्मीद करती हूँ आपके घर में भी अब ये बॉयल्ड छल्लियाँ बनेंगी, आपके बच्चे खुश होकर खाएंगे। एंजॉय बॉयल्ड कॉर्न। थैंक यू व्यूअर्स, थैंक यू, बाय बाय।